आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और दोपहर से लेकर अब तक देश दुनिया में क्या घटा है, कहां और किन क्षेत्रों से क्या अपडेट्स हैं, सब लेकर आए हैं हम आपके लिए शाम 4 बजे के बुलेटिन में। अगले 5 मिनट तक हम और आप साथ रहेंगे। वक्त कम है और खबरें ज्यादा, तो शुरू करते हैं। चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच सेनाओं को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत के द्वारा इस 8 अक्टूबर को वायुसेना को पहला ट्राई सर्विस कमांड मिल सकता है। ये पूरे देश के एयर डिफेंस को हैंडल करेगा। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद होगा कि सेना की तीनों सर्विस की सुविधाओं को एक कमांड के अंडर में लाया जाए ताकि देश के एयर स्पेस को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है और इसी दिन इसका ऐलान किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट अब ये विचार कर रहा है कि क्या SC ST OBC के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर विचार करने के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच का गठन करने का फैसला किया है। ये खंडपीठ इस विषय पर विचार करेगी कि क्या SC ST और OBC आरक्षण सूची के अंदर ही एक और उपसूची तैयार की जाए ताकि इसका फायदा उन्हीं 3 समूहों के अत्यंत पिछड़े लोगों को मिल सके। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख को पार कर गया है। कोरोना की चपेट में कई VVIP लगातार आते जा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से BJP सांसद जुगल किशोर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात 9 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। इनके संपर्क में आए सभी स्टाफ के सैंपल लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में अपनी दलील साबित करें। राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह को लेकर खींचतान जारी है। RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को रांची रिम्स में तलब किया है। तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि तेज प्रताप ने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू अभिभावक हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस पर फैसला देने से इनकार कर दिया। बात मौसम की कर लेते हैं। देश में पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और सैलाब से हालात काफी खराब हैं। इस बीच उत्तरी तटीय ओडिशा और इससे सटे भागों पर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगी, पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक करीब 70 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। UP के DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने इससे संबंधित एक पत्र जारी किया है जिसमें कोविड के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में टिकटॉक पर बैन होने की बात चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि या तो कंपनी अपना अमेरिकी बिजनेस बेचे या ऐप बैन किया जाएगा। केविन को 4 महीने पहले ही टिकटॉक का CEO बनाया गया था। इससे पहले वो डिज्नी के टॉप एग्जीक्यूटिव थे। क्रिकेटर विराट कोहली पिता बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर की है और बताया कि जनवरी 2021 में उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये थी शाम की बड़ी खबरें। दिन भर की बड़ी खबर और उस पर सटीक एनालिसिस के लिए आप हमारा शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर सुनिए शाम 7:30 बजे। मुझे यानी अमन गुप्ता को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।